मंदिर तोड़ दी, नल तोड़ दी, सब पे गए, सब गिरा के आग लगा के मम्मी मिट्टी इसके। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के थाना रूरा के मड़ौली गांव में ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटे की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि घटना की वजहों की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होगी। जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं परिवार की तरफ से स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। एजीएम लेखपाल, अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, मनीष चिटकुआरा, ब्रजेश निर्मल मिल के आग सब लगा दी इन घर में आ गई। मैं लोग अंदर रहते, हम लेकर पाए केबल पर और पापा भाग गए, डील के भाग गए, सब कुछ ना को दे कुछ लगना ही ये हुआ, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो ना ही निकाल पाए, जब अंदर जितने भजन रहे उठा ही नहीं पाए। जब झोपड़ी में आग लगी तो घर के मुखिया पीड़ित कृष्ण कुमार दीक्षित भी अंदर थे। उनका आरोप है कि प्रशासन के लोगों ने गांव के कुछ लोगों के कहने पर उनके घर में आग लगवा दी। ये लोग आए डीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, तनिया दीक्षित, बड़े वो दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव के। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी, हम लोग अंदर आ तो जो है और बाकी तो निकल गया, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। तो ये जलते हुए भाग गए लोग, वो जो एसपी साहब जो मारन दौड़े हड़का के भगा दी। अच्छा, हाँ बोले जो है न्याय मिलेगा। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जा रही है। कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि ऐसी शिकायत की जा रही थी कि ग्राम समाज की जमीन पर शिवम दीक्षित द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस अवैध कब्जे को हटवाने उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम गई थी, जिस दौरान ये घटना हो गई। इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मामले को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इसे बुलडोजर नीति करार दिया है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि डीएम, एसडीएम और लेखपाल पर मुकदमा दर्ज हो। पार्टी इसी को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। हम रात भर इस मामले में काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है।